दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो एसबीआई के माध्यम से चाहे गूगल पे हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो, किसी का भी क्यूआर कोड लेके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को भी मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं योनो एसबीआई के माध्यम से। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और एम पिन से आप लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे एम पिन से लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, योनो पे पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआर स्कैन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक कैमरे का आइकन ये बन के आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर आपके सामने में क्यूआर कोड है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं। अगर सामने में नहीं है, कोई आपको व्हाट्सअप किया है और आपके पास फ़ोटो है क्यूआर कोड का, तो सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और अपना जो है क्यूआर कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्चिंग होने के बाद जिसका भी क्यूआर कोड होगा उसका नाम आ जाएगा, उस अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना अमाउंट आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे 25 रुपया दे देते हैं। और रिमार्क में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने हाय लिख दिया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में कितने रुपये बैलेंस है तो वो आप यहाँ पे व्यू बैलेंस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप एक रिव्यू पे जाएगा, इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपना यूपीआई पिन इंटर करें। तो चलिए हम यहाँ पे अपना यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे यूपीआई पिन इंटर करने के बाद। उसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, कंग्रेचुलेशन सक्सेसफुल ट्रांसफ़र, इतना अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पे आपको योनो एसबीआई के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर आप किसी को भी पैसा भेजते हैं तो सबसे पहले आपको यूपीआई जो है भीम यूपीआई अकाउंट बनाना पड़ेगा योनो एसबीआई में। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप भीम यूपीआई डी बना सकते हैं योनो एसबीआई में। तो आप इसी तरीके से जो है क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को भी आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे किसी का भी क्यूआर कोड हो, फ़ोनपे, गूगल पे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, किसी का भी हो, सब में आप यहां पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर इमेज पर भी आईडी आ रहा होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।